यस सर। प्रैक्टिस 1.5 के अंदर हमें कहा है कि जो पहली क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस 100,000 प्लेसेस टर्न बाय टर्न एंड कंप्लीट द ब्लैंक प्लेसेस, इस प्रकार का एक टेबल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो राउंड ऑफ करके होता है, ठीक है, ये जो राउंड ऑफ करके होता है, ये राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। राउंड ऑफ होता है नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ होता है नियरेस्ट 1,000, राउंड ऑफ होता है नियरेस्ट 100, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हमें राउंड ऑफ के बारे में समझना पड़ेगा, तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दूँ कि हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये राउंड ऑफ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। आपको एक एग्जांपल दिया है ऑलरेडी पेज नंबर 14 के ऊपर, राउंड ऑफ 3491 टू नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ 3491 टू नियरेस्ट 100 के ऊपर आपको राउंडिंग लगानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पहले 3491 को हम लिखेंगे 3491, और यहाँ पे देखेंगे नियरेस्ट 100 बोला है, मुझे नियरेस्ट 100 बोला है, तो पीछे से मैं स्टार्ट करूँगा मूव होना, इसको कहता हूँ वंस टेंस 100, ये है 100, ठीक है। फोर्थ जो है वो 100 के प्लेसेस पे है, जबकि अगर 400 के प्लेसेस पे है तो इसके पीछे अगर जब मैं देखूंगा यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये वाली जो नंबर है वो नंबर कौन सी है ये मुझे पता लगाना पड़ता है, ठीक है। 4 के पीछे जो नंबर है वो नंबर को मुझे पता लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे नियरेस्ट 100 राउंड लगाना है। अगर नियरेस्ट 100 राउंड लगाना होता है तो मैं पीछे देखूंगा, पीछे देखने के बाद ये डिसीजन लेना होता है बच्चों कि पीछे वाली जो नंबर है, यहाँ पे नियरेस्ट 100 कहा है तो मैं 100 के पीछे देखा, मैंने अभी नियरेस्ट टेंस बोलता तो मैं टेंस के पीछे देखता, 100 बोला है तो 100 के पीछे देखने के बाद ये डिसीजन लेना होता है कि ये जो 9 है, ये 9 जो है वो 9 आप लोगों को 9 जो है वो 5 से बड़ी नंबर है, 9 है वो 5 से कैसी नंबर है, बड़ी नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पीछे वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होगा तो आपको 4 के अंदर एक ऐड कर देना है, 4 है तो उसका 5 कर देना है, 6 होता तो 7 कर देना है, और बाकी के जितने भी पीछे नंबर है उसको 0 कर देना होता है। तो ये नंबर इस प्रकार से होगी 3, 4 है तो 5 हो गया, 9 का 0, इसका भी 0, तो कुल मिलाकर 3491 के आंसर मिली 3500। समझ में आई बात बच्चों आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूँ, 3500, इसके नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग लग गई, ठीक है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लूँ जैसे कि 3741, इसका 100 पे राउंड लगाना है आपको, नियरेस्ट 100 पे राउंड लगाना है, तो देखिए वंस टेंस और उसके बाद 100, यानी 100 के 100 प्लेस पे कौन आया, 7 आया। 7 के पीछे देखो, 7 के पीछे देखने के बाद हमें पता चला कि 7 के जो पीछे है वो 4 है, 7 के पीछे है वो कौन है, 4, और ये जो 4 है वो 5 से कैसा नंबर है बच्चा, 4 है वो 5 से छोटी नंबर है। जिस दिन छोटी नंबर होती है तो 7 के अंदर कुछ ऐड नहीं होगा, यानी 37 एज इट इज रहेगा और ये नंबर 00 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे कि 18752, अब यहाँ पे देखिए वंस टेंस 100, 100 पे कौन है, 7 है, 7 के पीछे वाला नंबर कौन है, 5 है, 7 के पीछे वाला नंबर कौन है, 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 के पीछे अगर 5 है तो मुझे यहाँ पे 7 के पीछे देखना होता है कि जो नंबर है वो 5 से बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी नंबर होगी तो जिसके पीछे नंबर है, मतलब मुझे जहाँ पे राउंडिंग लगाना है वो नंबर की बात करूँ, जो नंबर के पीछे 5 है या तो 5 से बड़ी नंबर होगी तो उसके आगे वाले नंबर में हमें 1 ऐड कर देना है। 5 है इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो हम, अगर यहाँ पे 5 आ जाता है, 7 के पीछे 5 आ जाता है तो फिर 5 को 5 से बड़ी ही नंबर हम सपोज करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 7 की जगह पे 8 हो जाएगा, यानी 18852 बन जाएगा 00।
क्लियर हुई बात बच्चों? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, 3, 9, 8, 2। अब इसको नियरेस्ट 100 मुझे राउंड लगाना है, तो मैं वापस देखूंगा, वंस टेंस 100, 100 पे कौन है, 9 है, 9 के पीछे देखना है, 9 के पीछे तो 8 है। अब 9 के पीछे जो 8 है वो ये वाली नंबर कैसी है ये हमें बता लगाना है, ये वाली नंबर 5 से बड़ी है, और मैंने अभी बोला था 5 से बड़ी नंबर होगी, तो 9 के अंदर क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये नंबर होगी 3, 9, ये दोनों हो जाएगा 0, 0, और यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है, और इसकी टोटल कितनी होती है, 9 + 1 कितना होता है 10, ऊपर कैरी 1, 3 + 1 कितना होता है 4, एंड देन 0, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टोटल आंसर है वो होगी 4000। चमकार हुआ बच्चों, समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पे? अगर 5 से बड़ी नंबर है तो 1 ऐड करना है, अगर 5 से छोटी नंबर है तो 1 ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली 0, 0 ले लेना है, ठीक है। अब मैं नियरेस्ट टेंस के ऊपर बात करूं, देखिए नियरेस्ट टेंस के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि 3, 7, 2, 1, नियरेस्ट 1 मतलब यहाँ पे नियरेस्ट टेंस यानी वंस और टेंस, ये टेंस है, टेंस के पीछे देखो कौन है, 1 है। अब ये जो 1 है वो 5 से छोटा है या बड़ा वो देखना होता है, 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो 2 के अंदर 1 ऐड करना नहीं है, डायरेक्ट लिख लो 3, 7, 2 एज इट इज, 1 के जगह पे हो गया 0। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ जैसे कि 5, 4, 7, 6, और मुझे वापस नियरेस्ट टेंस पे ही राउंड लगानी है, तो नियरेस्ट टेंस पे राउंड लगाने के कारण मैं यहाँ पे देखूंगा ये वंस ये टेंस, एक सेकेंड को टेंस के पीछे देखना है, तो ये है वंस या टेंस, टेंस के पीछे है आज 6, अगर यहाँ पे 6 है तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5, 4, 7 की जगह पे 1 ऐड हो जाएगा, 1 इट बिकम 8, 8 क्यों ऐड हुआ, 7 की जगह पे 1 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि 7 के पीछे जो नंबर थी वो 5 से बड़ी नंबर थी, इसीलिए 5 से बड़ी नंबर होगी तो 1 ऐड करना है, 5 से छोटी नंबर होगी तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। वापस बोलता हूँ, पीछे रहने वाला नंबर 5 या तो 5 से बड़ा नंबर है, या तो 5 हो, या तो 5 हो, या तो 5 से बड़ा है ना, लार्जर 5, या तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा का मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे जो नंबर रहने वाला है वो 5 से अगर बड़ा है तो फिर समझ कर चलिए आप लोगों को उसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 7 है तो यहाँ पे 8 हो गया, 6 की जगह पे मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ये नियरेस्ट टेंस हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, 7, 2, 3, 4, नियरेस्ट टेंस लिखना है, नियरेस्ट टेंस लिखना है, तो नियरेस्ट टेंस में मतलब वंस और ये टेंस, इसके पीछे देखो कौन है, 4 है, 3 के पीछे 4 है, अगर 3 के पीछे 4 है, अगर 3 के पीछे 4 है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 3 के पीछे जो नंबर है वो 5 से बड़ी है या छोटी ये देखना है, अब ये जो 4 है वो 5 से छोटा नंबर है, और मैंने अभी बोला अगर 4 से 5 से छोटा नंबर है तो 3 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, जैसा है वैसा रख दो, 3, 7, 2, 3 भी एज इट इज रहेगा, अगर यहाँ पे 5 से बड़ी नंबर होता तो ये 3, 4 हो जाता, पर यहाँ पे 3 ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स मिलते हैं ना, ये जो नंबर्स मिले उस नंबर को हम कहते हैं नियरेस्ट टेंस, टेंस पे रहने वाले नंबर, समझ में आई बात, टेंस पे रहने वाले नंबर इसको कहते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 1.5 के, ठीक है, 1.5 के हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस 1.5 में पेज नंबर आपको दिया है PN लिख दू, इसका मतलब होता है पेज नंबर, तो पेज नंबर आपको लेना है 15, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 15 पेज नंबर ले लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू टेंस है, मतलब वंस टेंस, तो टेंस के पीछे हमने देखा, टेंस के पीछे यानी कि 3 के पीछे देगा, क्योंकि 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे था, तो 3 के पीछे 5 है, अगर 3 के पीछे 5 है, जो 5 या तो 5 से बड़ी नंबर होगी तो 3 में 1 ऐड होगा, वो रूल्स के हिसाब से हमने यहाँ पे 7 को 7 लिखा, 1 तो 1 लिखा, यहाँ पे 3 था और उसके पीछे 5 था, 5 है वो बड़ी नंबर है, मतलब 5 है वो इक्वल टू 5 है, जब 5 इक्वल टू 5 या तो बड़ी नंबर होती है तो 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे 4, और यहाँ पे बन जाएगा 0। राउंडिंग ऑफ 200, इसी नंबर को अगर 100 पे राउंडिंग लगानी हो तो फिर मैं ऐसे करूँगा,
यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे पहले कौन बैठा, हंड्रेड पे पहले कौन बैठा वो चेक करूंगा। हंड्रेड के पहले ऊपर पहले वन बैठा है, हंड्रेड के प्लेस पे वन बैठा है तो वन के पीछे देखना है कि कोई नंबर फाइव है या फाइव से बड़ी है। यहाँ पे तो फाइव से छोटी नंबर है, जिस दिन फाइव से छोटी नंबर होती है उस टाइम पे हम वन के अंदर जो हंड्रेड के प्लेस पे बैठा है ना उसके अंदर कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है, तो 71 एज इट इज रहेगा और 35 की जगह पे 00 आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ टू थाउजेंड जब हम चेक करेंगे तो हमें थाउजेंड के प्लेस पे पहले कौन बैठा है वो चेक करना है। थाउजेंड प्लेस पे कौन बैठा है देखो ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पे सेवन बैठा है तो सेवन के पीछे देखो कि सेवन के पीछे कोई नंबर फाइव या फाइव से बड़ी नंबर है। यहाँ पे तो जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो फाइव से छोटी है, और जिस दिन पे कोई नंबर फाइव से छोटी होगी तो हम आगे वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रखेंगे। यानी सेवन था तो सेवन रखा, और पीछे जीरो जीरो है इसीलिए जीरो जीरो नहीं लिया। यहाँ पे कोई भी नंबर होता बच्चा, इधर अगर वन टू थ्री होता, वन टू थ्री होता तो भी हम जीरो जीरो ही लगाते, ठीक है, तो भी हम जीरो जीरो लगाते। हालांकि यहाँ पे जीरो जीरो है तो हमने जीरो जीरो लगाया, पर यहाँ पे फाइव से छोटी नंबर है इसलिए बाकी के सारे मेंबर को हम जीरो कर देंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड, माफ करना, यहाँ पे क्वेश्चन में 7315 है, 7135 है क्वेश्चन के अंदर, 7135 है इसलिए इसका रिजल्ट ये आया। अब क्वेश्चन नंबर टू की ओर जाते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन में फर्स्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड कर रहे हैं। सेकंड ने नंबर दिया 8017। अब 8017 के अंदर हम देखेंगे पहले राउंडिंग ऑफ टू टेंस। 8017 इक्वल टू, चलो पहले टेंस के ऊपर कौन बैठा वो हम चेक करेंगे। टेंस के ऊपर बैठने वाला नंबर है वंस और फिर टेंस। यहाँ पर इधर आपको अगर दिखने में नहीं आता या आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बी श्योर हो जाओ बच्चों, है ना, चिंता मत कीजिए। आप लोगों को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे पे यानी अगले दिन कल मिल जाएगी, ठीक है। आप कल वापस ये पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर देख सकते हो और आप लोग अपना अभ्यास, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। जो बच्चे लाइव जुड़ नहीं सकते हमारे साथ वे बच्चे भी इसकी शूटिंग कल देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है बच्चों। 8017 है तो 8017 हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टेंस लिखा है तो वंस के बाद टेंस है, इधर वन है, वंस टेंस, तो टेंस की जगह पे कौन बैठा, वन बैठा। अगर टेंस की जगह पे वन बैठा है तो फिर इसके पीछे हम देखेंगे, इसके पीछे देखेंगे कि कौन है इसके पीछे, इसके पीछे तो सेवन बैठा है। अब यहाँ पे इसके पीछे जो सेवन बैठा है वो सेवन, ये जो सेवन है बच्चों वो सेवन फाइव से बड़ा है। अगर फाइव से बड़ा होता है तो इस वन के अंदर कौन ऐड होगा, वन ऐड होगा। यानी ये 8017 के अंदर यहाँ पे वन ऐड करना है हमें, इधर वन ऐड करेंगे तो कितना होगा 208। अब आप लिखाएंगे सर सेवन क्या क्या हुआ, टेंस के पीछे जितने भी नंबर है, टेंस के पीछे जितने भी नंबर हुए सब जीरो हो जाएंगे, यानी सेवन को भी हम जीरो ले लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 8020। समझ में आई बात? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखूंगा राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड, नंबर तो यही है, ये नंबर तो यही है। हंड्रेड्स के ऊपर कौन बैठा पहले चेक कर लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, इधर जीरो बैठा है, जीरो के पीछे कौन बैठा है, फाइव या फाइव से बड़ी नंबर होगी तो जीरो में वन ऐड होगा, और हर बार वन ही ऐड करना है, वन के अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना भाई। जीरो के पीछे तो म्यूट करो, खुद को म्यूट करो, खुद को म्यूट करने का सीखिए। जीरो यहाँ पे वन और यहाँ पे सेवन, तो बच्चों आप लोगों को जीरो से बड़ी नंबर, जीरो से बड़ी नंबर मतलब यहाँ पे जीरो के पीछे कौन है, वन है, तो वन है वो फाइव से छोटी नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 801 है वो फाइव से छोटी नंबर है इसलिए यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 2000,
थाउजेंड्स पे जब हम देखेंगे बच्चों, तो इसी नंबर पे हम थाउजेंड चेक करेंगे, थाउजेंड कौन है, थाउजेंड पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे एट है, तो एट के पीछे कौन है वो देखेंगे, एट के पीछे जीरो है जो फाइव से छोटी नंबर है, मतलब कोई चेंजेस नहीं, जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, लिख लो फटाफट क्वेश्चन नंबर टू, लिख लो क्वेश्चन नंबर टू लिख लो। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वन टेक इन होमवर्क, आपको क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क में लेना है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क में पूरा का पूरा 1.5 का क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं हम, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में आपने कहा, आपको कहा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 100,000, 10,000 एंड एंड लैक्स, प्लेस टर्न बाय द टर्न एंड कंप्लीट द टेबल। आप लोगों को यहाँ पे फोर क्वेश्चंस दे दिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आप लोगों को सिमिलरली सेम पद्धति अप्लाई करनी है, सेम पद्धति अप्लाई करके आपको राउंडिंग हंड्रेड्स निकालना है, आपको थाउजेंड्स निकालना है, आपको 10,000 पे भी काम करना है और लेक पे भी काम करना है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है, ये पहला क्वेश्चन कैसे हुआ उसके बारे में हम देखेंगे, बाकी के तीनों आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में इस प्रकार से बातें हैं यहाँ पे कि 117945, अब इसके आपको सॉल्यूशन निकालनी है, पहले कहा है राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स, मैं डायरेक्ट हंड्रेड्स लिख दूं, नियरेस्ट हंड्रेड लिख दो, ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड लिख दो, आप समझ जाना, पूरी लाइन लिखने का कोई अभी मतलब नहीं है, हंड्रेड्स, आप वैसे भी समझदार बच्चे हो, समझ गए होंगे, नियरेस्ट हंड्रेड पे कैसे काम करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, इस नंबर के अंदर हंड्रेड्स में चेक करूंगा, तो यहाँ पे है वंस, यहाँ पे है टेंस और यहाँ पे है हंड्रेड, हंड्रेड पे है नाइन, नाइन के पीछे देखना है, नाइन के पीछे है फोर, अगर नाइन के पीछे फोर है तो मुझे ये देखना है कि ये नंबर फाइव से बड़ी है या छोटी, हालांकि ये नंबर तो छोटी है, तो फिर ये फोर भी जीरो बन जाएगा और ये फाइव भी जीरो बन जाएगा, उसके पीछे कोई होता तो वो भी जीरो बन जाता, जबकि ये फोर फाइव से छोटा है तो नाइन के अंदर एक एड नहीं होगा, यानी नाइन एज इट इज रहेगा, वन एड नहीं होगा, सेवन भी एज इट इज, वन भी एज इट इज और वन भी एज इट इज, ये नियरेस्ट हंड्रेड का काम हुआ। अगर नियरेस्ट थाउजेंड निकालना हो तो कैसे करेंगे, 117945 इक्वल टू एज इट इज, पहले हम देखेंगे थाउजेंड के प्लेस पे कौन बैठा है, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पे सेवन बैठा है और सेवन के पीछे देखेंगे कौन है, नाइन, नाइन अपने आप में फाइव से बड़ा है तो सेवन के अंदर वन ऐड होगा, वन वन, सेवन में वन ऐड करूँ तो कितना होता है, एट होता है, नाइन क्या हो गया, जीरो, फोर भी क्या हो गया, जीरो और फाइव भी क्या हो गया, जीरो। अब हम देखेंगे नियरेस्ट 10,000, तो क्वेश्चन में 117945 है, थाउजेंड सॉरी 10,000 पे कौन बैठा पहले वो चेक कर ले, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, 10,000 पे वन बैठा है, इधर वन है, वन के पीछे देखो, वन के पीछे कौन है, सेवन है, अगर वन के पीछे सेवन है तो सेवन है वो फाइव से कैसा नंबर है बच्चों, सेवन है वो फाइव से बड़ा नंबर है, अगर बड़ा है तो वन के अंदर क्या ऐड होगा, वन ऐड होगा, तो वन, वन के अंदर ऐड हुआ टू, बाकी के सारे मेंबर जीरो, 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट है तो फोर टाइम जीरो, समझ में आया। उसी प्रकार अगर मुझे नियरेस्ट, उसी प्रकार अगर मुझे नियरेस्ट लेक बोलते हैं,
नियरेस्ट लेक बोल देना, तो मैं क्या करता, उसी नंबर को वापस लिखता और देखता कि लेक के ऊपर कौन बैठा है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लेक, इधर वन, वन के पीछे कौन बैठा है, वन के पीछे वन बैठा है, तो कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि वन बैठा है वो फाइव से छोटा है। वन के पीछे जो वन बैठा है वो फाइव से छोटा है, तो वन के अंदर कुछ ऐड नहीं होगा, वन एजिट रहेगा। और उसके बजे फाइव टाइम्स जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 0, तो ये 1 लेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जूम इन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। देख लो, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आया बच्चों? अब इस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट, क्वेश्चन को लिख लो, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 था, सेम मेथड से। ठीक है, सेम मेथड से आप लोगों को अनदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये आपको होमवर्क में लेना है। ठीक है बच्चों? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग एडिशन। आपको एस्टिमेट लगाना है फॉलोइंग एडिशन का, नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका एस्टिमेट कैसे निकालना है वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एस्टिमेट द फॉलोइंग एडिशन कैसा करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है 4, 2, 3, 5 प्लस 5, 6, 8, मुझे एडिशन करना है। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी, उसमें क्या है ना, जल्दी से काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें एडिशन करना है। ये बात सही है, पर एडिशन कैसे करना है, एस्टिमेट करके एडिशन करना है। ठीक है, एस्टिमेट करके एडिशन करना है। एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पे राउंडिंग लगानी है। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर पहले मैं ये देखूंगा कि छोटी नंबर कौन सी है। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे प्लस आया या तो यहाँ पे माइनस आया, आपको सेम मेथड अप्लाई करनी है। वापस बोलता हूँ, अगर बीच में प्लस आता है या बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन आती है, माइनस, आप लोगों को सेम पद्धति अप्लाई करनी है। आपको ये देखना है कि यहाँ से सबसे छोटी नंबर कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब आवाज आती है बच्चों सबकी? एस्टिमेट करके मुझे इसका एडिशन करना है। तो पहले या तो यहाँ पे प्लस आता है या तो यहाँ पे माइनस आए, दोनों में से कोई भी साइन है, आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है, दोनों में से छोटी नंबर कौन से है उसको पहले देखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर, हियर 568 इज स्मॉलर नंबर। आप तो पढ़ गए हो स्मॉलर नंबर कौन है और लार्जर नंबर कौन है। ये नंबर है वो स्मॉलर नंबर है, और स्मॉलर नंबर में सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है, वंस है, टेंस है और 100 है। स्मॉलर नंबर पहले निकालना है दोनों में से, उसके बाद ये देखना है कि सबसे छोटी नंबर मतलब सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सी है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सी है। आप कहेंगे 8 है वो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। हाईएस्ट प्लेस का मतलब है कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में सबसे आगे कौन है, 5 है, और वो कौन सी प्लेस पे बैठा है उसको कहते हैं हाईएस्ट प्लेस। इसमें हाईएस्ट प्लेस कौन सा हुआ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड है वो सबसे हाईएस्ट प्लेस हुआ। हाईएस्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे आगे कौन से प्लेस पे नंबर बैठा है वो। ठीक है, यहाँ पे 5 सबसे आगे बैठा है जो 100 की प्लेस पे बैठा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 है 100 की प्लेस पे बैठा है, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट प्लेस इज 100। हाईएस्ट प्लेस कौन सी हुई, 100 हुई। ध्यान से समझने इस बात को, मैंने पहले स्मॉलर नंबर को लिखा और स्मॉलर नंबर में सबसे हाईएस्ट पहले आगे कौन बैठा है, 5, और 5 100 की प्लेस पे बैठा है,
हाईएस्ट प्लेस हुई 100, ठीक है। अगर हाईएस्ट 100 प्लेस हुई तो हम दोनों को 100 की प्लेस पे राउंड लगाना है, ठीक है। तो राउंडिंग राउंडिंग बोथ नंबर, राउंडिंग बोथ नंबर नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, 100 के ऊपर मुझे दोनों नंबर को राउंडिंग लगानी है। तो अब देखिए 4, 2, 3, 5 प्लस 5, 6, 8 वंस टेंस 100, यहाँ पे 5 है तो 5 के पीछे देखना है। वंस टेंस 100, यहाँ पे 2 है तो 2 के पीछे देखना है, क्योंकि मुझे 100 पे नियरेस्ट लगाना है राउंडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के पीछे जो नंबर है वो 5 या तो 5 से बड़ी नंबर होनी चाहिए। अगर 2 के पीछे 5 या तो 5 से बड़ी नंबर होगी तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 से छोटी नंबर होगी तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्टली 0, 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से छोटे नंबर है 3, इट मीन्स दैट हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 में कोई 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 और 5 को 0, 0 ले लेंगे। प्लस यहाँ पे 5 के पीछे रहने वाले नंबर को ध्यान से देखिए, 5 के पीछे रहने वाला जो नंबर है वो अगर 5 या तो 5 से बड़ा होगा तो हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे बच्चा। अब यहाँ पे तो 6 है जो 5 से बड़ा है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने का मतलब है यहाँ पे 6 होगा, और फिर ये दोनों क्या होगा 0, 0। अब इनकी टोटल कर लो 6, 7, 8, तो इसकी टोटल होती है 4800, ये आपके आंसर है। समझ में आई बात बच्चों? लिख लो फटाफट, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। यस सर। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 3 के मैं कोई दूसरा क्वेश्चन करवा दूं, चलो आपको सेम टू सेम मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 1 देखिए। सेकंड 1 ने कहा, ठीक है, सेकेंड वन ने कहा 8761 प्लस 347, यहाँ पे 347 इज स्मॉलेस्ट नंबर। पहला स्टेप हमें ये लिखना है कि यह स्मॉलेस्ट नंबर है। आपको दो नंबर देते हैं, उनमें से आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि छोटी नंबर कौन सी है, ठीक है। अब छोटी नंबर में सबसे आगे कौन है, छोटी नंबर में सबसे आगे कौन है, 3 है, और 3 कौन सी प्लेस पे बैठा है बच्चा, 3 बैठा है वो 100 की प्लेस पे बैठा है ना, 3 बैठा है वो 100 की प्लेस पे बैठा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइएस्ट, हाइएस्ट प्लेस इज 100, हाइएस्ट प्लेस इज 100, हाईएस्ट प्लेस इज 100, इट मीन्स दैट यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है, 100 की है। तो हम लिखेंगे राउंडिंग राउंडिंग बोथ नंबर, राउंडिंग बोथ नंबर, राउंडिंग बोथ नंबर्स नियरेस्ट 100, 100 पे हमें दोनों नंबर को राउंडिंग लगानी है। तो लिख लो 8761 प्लस 347, वंस टेंस 100, 100 पे लगाना है राउंड, वंस टेंस 100, 100 पे लगाना है राउंड। तो 100 के पीछे देखेंगे कि नंबर 5 है या 5 से बड़े हैं, अगर 5 और 5 से बड़े हैं तो 1 ऐड करेंगे, अन्यथा ऐड नहीं करेंगे। 7 के पीछे कौन है, 6 है जो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड होगा, तो 8 का 8, 7 का हो गया 8, और बाकी दोनों को ले लेना 0 प्लस। 3 के पीछे 4 है जो 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं, 3 का 3 ही रहेगा, 4 नहीं बनाना, और ये दोनों हो जाएगा 0। अब तो कर सकते हो आप, अब इसकी टोटल कर लो, इन दोनों की टोटल जो होगी वो आंसर, ये टोटल करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है, कर लेना। लिख लो फटाफट Q2 लिख लो, चलो फटाफट Q2 लिख लो, जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी क्या सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है।
कोई एक करूं क्वेश्चन नंबर थ्री में, कोई एक क्वेश्चन करूं मैं, और दूसरा अगर आपको कहना है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में और कोई क्वेश्चन करूं? कौन सा? लास्ट वाला क्वेश्चन करें। ओके चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स वाला। हाँ सिक्स वाला, चलिए सिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन ने कहा है 5 3 2 1 2 प्लस 5 0 3 2। यहाँ पे सबसे पहले छोटी नंबर लिखनी है। अब खुद को म्यूट कर दो, चलो खुद को म्यूट कर दो, खुद को म्यूट करें, बच्चे खुद को म्यूट करें। मैं बच्चों का नाम लूँ उससे पहले बच्चे खुद को म्यूट करना सीखे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी नंबर कौन सी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ईयर 5032। ये दोनों में देखिए ये 53,000 है, ये सिर्फ 5,000 है, तो ये सबसे छोटा हुआ। 5032 इज स्मॉलेस्ट नंबर। चलो एक बात तो पकड़ में आ गई कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का पता चल गया, स्मॉलेस्ट नंबर ये है। सबसे हाईएस्ट प्लेस में सबसे आगे कौन है? 5 है। कौन सी प्लेस पे बैठा है? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की प्लेस पे बैठा है। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की प्लेस, तो हम यहां पे लिखेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट प्लेस इज थाउजेंड, थाउजेंड ही है सबसे हाईएस्ट प्लेस। देखिए ना इसके अंदर सबसे आगे कौन बैठा है? 5 बैठा है, वो थाउजेंड के प्लेस पे, तो हमें राउंडिंग पे कहां लगानी है? थाउजेंड पे ही लगानी है। तो मैं लिखूंगा राउंडिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड, राउंडिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड, बोथ नंबर, ठीक है। बोथ नंबर के लिए ये है लिखना है, मैं थोड़ा भूल गया, आप लिख सकते हो बोथ नंबर, ये बोथ नंबर के लिए है। तो देखिए 5 3 2 1 2 प्लस 5 0 3 2, दोनों नंबर को राउंडिंग लगानी है भाई। दोनों नंबर को अगर राउंडिंग लगानी है तो यहाँ पे देखिए थाउजेंड पे लगानी है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड के पीछे देखो जीरो है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड के पीछे देखो टू है, ठीक है। अगर यहाँ पे टू है मतलब फाइव या तो फाइव से छोटी नंबर होगी, सॉरी फाइव या तो फाइव से बड़ी नंबर होगी, तो थ्री में वन ऐड होगा, यहाँ पे तो छोटा है। अगर छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा, फाइव थ्री का थ्री, बाकी के तीन क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। फाइव के पीछे रहने वाली नंबर फाइव या फाइव से बड़ी होगी तो इसके अंदर वन ऐड होगा, ये तो छोटी नंबर है, मतलब फाइव एज इट इज रहेगा, बाकी का सब जीरो ले लेगा, ठीक है बच्चा। समझ में आया? तो अब यहां से हम आगे लिखेंगे, इनकी टोटल करेंगे 5 6 7 और 8, ये टोटल होगा 5 8 0 0, 5 8 0 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, फटाफट लिख लो। अब यहाँ पे हम इतना रखते हैं, अब आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क लिख लो, अच्छे से होमवर्क लिख लो। यहाँ पे देखिए आप लोग इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए होमवर्क के अंदर, देखिए होमवर्क के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर, फोर भी सेम मेथड का है, देखिए बीच में सिर्फ माइनस 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 है, तो एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, एक सेकेंड वाला, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये जो है फर्स्ट वन, ठीक है, ये फर्स्ट वन, ये तीनों, ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टेक इन होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टेक इन होमवर्क। होमवर्क के अंदर प्रैक्टिस 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4, ये सारा का सारा क्वेश्चन होमवर्क में लेना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।